राधाराशेश्वरी रासवासिनी रस केसरी कृष्ण प्राण अधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण रूपिणो कृष्णवाम अंग संभूता परमानंदा रूपिणी कृष्ण वृंदा वनी वृंदा वृंदावन विनोदनी चंद्रावली चंद्रकांता शरश्चंद्र प्रभानना नामन्ये तानि स्मराणि तेषाभ्यं स्तराणि च राधे त्वचा संसिधो शंकरो दान वाचक स्वयं निर्वाण दत्रीया साराधा परिकीर्तिता रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्मृता रासे च वासो यशश्च तेनासा रासवासिनो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विष्णु सहस्त्र नाम राधा सहस्त्र नाम में स्वयं भगवान नारायण ने इन वचनों को गाया है। राधा रानी के 16 मुख्य नाम यहाँ पर गाए गए हैं, जिन नामों में नाम आते हैं राधा। राधा शब्द का अर्थ है राहा दे, राधे राहा दे। हमारे संसार में जो हम दिशा भ्रमित हो गए हैं, हमें दिशा दिखाने वाली कौन है? श्री राधे। राहा दे, राहा दे, राधे। दूसरा नाम है उनका रासेश्वरी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति प्रेम का रस है उसका स्वादन करने वाली कौन है? रासेश्वरी श्री राधिके नमस्तुते। रास वासनी, अगर किसी में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रास है तो केवल और केवल राधा रानी में है, जो कि भक्ति प्रेम की प्रकाष्ठा रूपी भक्त है भगवान श्री कृष्ण की, इसलिए उनका नाम है रास वासनी। रास केश्वरी, भगवान के आनंद का अनुभव करने वाली रास स्वरूपनी कृष्ण स्वरूपनी, यानी राधा में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। संसार के लोग बोलते हैं प्रेम किया राधा से, विवाह किया रुक्मिणी से, ऐसा क्यों किया? तो भगवान श्री कृष्ण कभी अपनी अंतरंग शक्ति से विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनके अंदर ही रहती है। कोई वस्तु बाहर हो तो विवाह होता है ना, अपनी शक्ति से कौन विवाह करता है, उससे तो प्रेम करता है। तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र। राधा रानी कृष्ण भगवान की स्वरूपणी है, फर्क इतना है भगवान कृष्ण श्याम वर्ण है और राधा रानी गौर वर्ण है, गोरे रंग की। तप्त कांचन गौरांगी, उनका रंग ऐसा है जैसे पिघला हुआ सोना, द मोल्टन गोल्डन फॉर्म। और वही रंग लेके चैतन्य महाप्रभु आए होली के उत्सव पे और उन्होंने यहाँ पर होली उत्सव मनाया। हम देखते हैं कि भगवान की जब लीलाएं प्रारंभ होती है इस द्वापर काल में, तो इस व्रज धाम 84 कोस व्रज मंडल 252 किलोमीटर, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, यहाँ पर कण कण में देवता विराजमान है। जिस मिट्टी पर आप बैठे हैं ये देवताओं के सर पर बैठे हैं, और जिस पर्वत पर आप चढ़ने वाले हैं इस पर्वत का नाम है ब्रह्माचल पर्वत। क्या नाम है? ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्माचल यानी कि ब्रह्मा जी ने 60 करोड़ वर्षों तक तपस्या करी। कितने वर्षों? 60 करोड़। आप तो 8 घंटे में थक गए, सुबह 6 बजे चले थे, अभी 11 ही बजे हैं, 5 ही घंटे हुए हैं, आपको थकान हो रही है। लेकिन सोचिए राधा रानी को पाने के लिए ब्रह्मा जी ने 60 करोड़ वर्षों तक तपस्या करी। जब 60 करोड़ वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी के सामने राधा रानी प्रकट हुई, बोले क्या चाहती हो, क्या चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले राधा रानी एक इच्छा है, आपके प्रेमी भक्त मेरे सिर पर अपने चरण धरे। तो आप देख रहे हैं सारे लोग चढ़ रहे हैं पर्वत पर, ये कौन है? राधा रानी के भक्त है।
किस पर रख रहे हैं सिर? कौन है सिर? ब्रह्मा जी। और पैर किसके? भक्तों के। इसलिए कहते हैं व्रजवासिन की जय, गोपिन की जय, उस रस को पाने वाले ब्रह्मा की जय। ब्रह्मा जी के कितने मुंह हैं? चार मुंह हैं। इसलिए यहाँ पर चार पर्वत हैं। चार मुंह से चार पर्वत हैं। एक पर्वत का नाम है मानगढ़। गढ़ का मतलब होता है वह स्थान जहां पर भगवान की मान लीलाएं होती हैं, उसको कहते हैं मानगढ़। दूसरा है विलासगढ़, जहां पर भगवान की राधा रानी के साथ प्रेममय विलास की लीलाएं होती हैं, उसे कहते हैं विलास। एक है जिसको कहते हैं वृषभानु महाराज का स्थान, उसे कहते हैं भानुगढ़। और जिस सांखरी खोर पे हम जाने वाले हैं उसको कहते हैं दानगढ़। कितने हो गए? दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, भानुगढ़। इन चार गणों को चार मुख ब्रह्मा जी के मानते हैं। सामने जो ये पर्वत है, इस पर्वत को विलास पर्वत कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का मुख नहीं है, ये कौन है? ये विष्णु जी का मुख है। क्यों? इन दोनों में फर्क है। अगर आप दोनों पर्वत के साइड की मिट्टी उठाएंगे, एक काला है एक गोरा है। ब्रह्मा जी की साइड वाला राधा रानी का पर्वत गोरा है, विष्णु जी की साइड वाला काला है। इन्हीं पर्वतों के मध्य में एक स्थान है जिसको सांखरी, सांखरी यानी पतली गली, सांखरी। खोर का मतलब है वो स्थान जहां पर राधा और कृष्ण की प्रेममय लीलाएं होती हैं, एक पवित्र स्थान। खोर, सांखरी खोर, बहुत पतला है। पर्वत के ऊपर पैर रखकर चढ़ना पड़ता है, एक बार में एक ही आदमी निकल पाता है, इसलिए इतना ट्रैफिक जाम है यहाँ। एक बार में एक आदमी निकलता है, आप लाइन में चलेंगे धीरे धीरे सब उतर जाएंगे। कहते हैं प्रेम गली अति सांखरी, जा में दो न समाए। एक बार में दो आदमी नहीं आते, प्रेम की गली सांखरी है। कृष्ण और राधा रानी के प्रेम में और कोई दूसरे व्यक्ति को स्थान नहीं है, एक एक करके उतर सकते हैं दो साथ में। प्रेम गली अति सांखरी, जा में दो ना, दो नहीं आते, एक ही आता है। तो यहां पर राधा कृष्ण की बड़ी अद्भुत लीलाएं हुई है। एक लीला यहाँ पर आती है कि भगवान कृष्ण दान मांगने के लिए रोज आते थे। राधा रानी की सखियां ग्वाल बाल एकत्रित होकर के, जितनी भी सखियां थी वो जाती थी दान देने के लिए कंस के किले में, और कंस को दूध दही माखन सब दान दिया जाता था। और दान देने के लिए जब जाते थे तो कृष्ण भगवान उनकी मटकी फोड़ देते। यानी आप इनकम टैक्स जमा करने जा रहे हो और कोई आपके जेब से ITR का फॉर्म ही चोरी कर ले तो कैसा लगेगा? तो वही स्थिति उत्पन्न हुई है कि इनकम टैक्स भरने जाते थे और कृष्ण भगवान मटकी फोड़कर दूध माखन चोरी कर ले। अब पतली गली इतनी है, प्रेम गली अति सांखरी, बड़ी पतली है, उसमें कोई और आता नहीं है, तो गोपियां अकेली चलती थी, ग्रुप नहीं आ सकता। तो ऐसी अवस्था में मटकी से दूध गिरता था और उनके कपड़े भीग जाते थे। तो जो आज आप पर कोई पानी डाले तो आपको वही अनुभव करना चाहिए कि आज के दिन हमारे ऊपर कृष्ण भगवान पानी का अभिषेक कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर अभिषेक किया जाता था। एक दिन राधा रानी और अन्य सखियों ने प्लान बनाया कि हम आज के दिन कृष्ण भगवान को पकड़ेंगे, और उन्होंने इन वृक्षों के पीछे छुप करके कृष्ण का इंतजार किया। तब ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के साथ रोज की तरह मक्खन चोरी के लिए आ रहे थे, तो आते आते क्या हो गया कि सबने देखा भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया राधा रानी और गोपियों ने, सखियों ने, और पकड़ करके उनको कहा कि रोज तुम हमारे मटकी फोड़ते हो, आज तुम हमें हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, रस्सियों से बांध दिया। और जब रस्सियों से बांध दिया तो कृष्ण बोले मुझे छोड़ दो। बोले छोड़ने का एक ही तरीका है, तुम्हें गोपी ड्रेस पहनना पड़ेगा। घाघरा चोली पहना दिया ठाकुर जी को इसी जगह पर सांखरी खोर में, और सिर के ऊपर मटकी धारण करा दी, और मटकी धारण करा करके कृष्ण कन्हैया से बोले नाच कर दिखाओ, नाच कर दिखाओ। जो भगवान जिनके पीछे 33 करोड़ देवता पड़े रहते हैं, वो भगवान छछिया पर छाछ पर नाच दिखाया, थोड़ी सी छाछ के लिए यहाँ नृत्य कर कर दिखाया भगवान ने। और गोपियों ने रोज की तरह जैसे कृष्ण रोज फोड़ते थे उनकी मटकी फोड़ दी। जब फोड़ दी तो उसमें से दूध गिरा और भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक हो गया।
तो इस बरसाना की लीलाएं बड़ी उत्तम और बड़ी अद्भुत है। यहाँ पर एक लीला ऐसी आती है जो कि शास्त्रों में वर्णन है, जिस समय बताते हैं कि ये दान केली कुमोदी पुस्तक के अंदर ये लीला आती है, और बड़ी सुंदर होली की लीला है कि होली कैसे प्रारंभ हुई। तो आज हम होली उत्सव में यहाँ आए हैं। सबसे पहली होली सतयुग में हुई थी, जब प्रहलाद महाराज की बुआ सिम्मिका, जिसको लोग होलिका के नाम से जानते हैं, विष्णु पुराण में उसका नाम सिम्मिका लिखा है, सिम्मिका अपनी गोदी में लेकर प्रहलाद को बैठ गई थी। उसको वरदान मिला था कि तुम आग में जलोगी नहीं, लेकिन जब वो बैठ गई और सारे लोग उस मद उत्सव को देखने आए थे, सारे राक्षस, जैसे हम लोग होली उत्सव मनाते हैं, राक्षसों का उस समय मद उत्सव होता था। मद यानी अहंकार, अहंकार का उत्सव। कोई कहेगा मैंने 6 लोक जीत लिए, मैंने 3 लोक जीत लिए, मैंने पृथ्वी में इतने देवता जीत लिए, मैंने मनुष्य जीत लिए, अपना अपना मद अहंकार दिखाते थे। मद उत्सव, शराब पीते थे, मदिरा पान करते थे, सब बड़ा आकर्षण था। पोस्टर पे लिखा गया था टुडेज अट्रैक्शन प्रहलाद एंड होलिका ऑन पायर। होलिका को पायर पे बिठाया गया चिता पर, और होलिका कह रही थी मैं निश्चिंत हूँ, और प्रहलाद तुम्हें चिंता नहीं है कयादु ने पूछा। प्रहलाद कहते मैं भी निश्चिंत हूँ, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाले तो कृष्ण करेगा। राखे कृष्ण मारे कौन और मारे कृष्ण। अगर कृष्ण मारने पे आ जाए, संसार की कोई देवता में शक्ति नहीं बचा ले, और अगर कोई बचाना चाहे तो संसार का कोई देवता, शनि राहु केतु, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो शाम का हो गया वो फिर सारे काम का हो गया। तो भगवान ने ये सतयुग में लीला करी, और भगवान विष्णु की कृपा से ना तो प्रहलाद जले, लेकिन होलिका जल गई। तो लोग बोलते हैं होलिका को वरदान था ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा क्या झूठे थे? तो ब्रह्मा का वरदान तो झूठा नहीं हुआ, लेकिन भगवान के सुदर्शन चक्र की जो गर्मी थी उससे होलिका जल गई। तो उसका पहले नाम सिम्मिका था, लेकिन उत्सव का नाम होलिका कैसे पड़ा? बोले इसकी तो होली, इसकी तो होली, इसलिए नाम पड़ा होली, होली उत्सव। अभी होली में रंग कैसे आ गया? तो जब लोग देखने आए होलिका की जो चिता जली थी, प्रहलाद तो बच गए थे, तो प्रहलाद राख के अंदर बैठे थे गर्मी में चिता के अंदर, और क्या बोल रहे थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए जोर से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते। इस प्रकार भजन कर रहे थे तो असुर ढूंढ रहे थे जो प्रहलाद के वंशज थे, प्रहलाद को जो पसंद करते थे, क्योंकि प्रहलाद भी राक्षस कुल के थे, ढूंढ रहे थे कहां से आवाज आ रही है। चिता की डस्ट को हटाया तो अंदर से प्रहलाद, एक रोम तक नहीं जला, एक रोंगटा तक नहीं जला, ऐसे प्रहलाद यथारूप वापिस आए। तो सारे लोगों ने वहां पर जितनी राख थी उसको उड़ा उड़ा करके खेलने लगे, बोले प्रहलाद महाराज की। तो चिता की जो धूल उड़ाई गई उससे धुलेटी, धुलेंडी बोलते ना, धुलेंडी धुलेटी, धूल उड़ाना, तो वो चिता की धूल उड़ाई गई थी सतयुग में। तो जो राक्षस थे, जो प्रहलाद को पसंद नहीं करते थे, मारना चाहते थे, उन राक्षसों ने भक्तों को मारना शुरू किया कि तुम बड़े प्रसन्न चित हो रहे हो, तो उनको धक्के देकर नाली में गिराने लगे, उनको मारने लगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लग गए। तो हम देखते हैं आज भी दो कुल हैं, एक जो लोगों को परेशान करते हैं, एक जो लोगों को प्रेम करते हैं। आज भी जो परेशान करे वो हिरण्यकश्यप की फैमिली का, जो प्रेम से रंग लगाए वो प्रहलाद की फैमिली। तो इस प्रकार सतयुग में प्रारंभ हुआ, और त्रेता युग आते आते भगवान राम ने लीला खेली, सीता मैया के साथ होली की लीला हुई। तो आपने भजन सुना होगा, आज अवध में खेले रघुबीरा, आज अवध में खेले रघुबीरा, खेले रघुबीरा, ओ खेले रघुबीरा, खेले रघुबीरा, ओ खेले रघुबीरा, आज अवध में खेले रघुबीरा, आज अवध में खेले रघुबीरा।
खेले रघुबीरा ओ खेले रघुबीरा खेले रघुबीरा आज अवध में खेले रघुबीरा आज अवध में खेले रघुबीरा। इस प्रकार सीताराम जी ने भी अवध अयोध्या में, अयोध्या शब्द का अर्थ है जहाँ पर किसी के मन में कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं है, सबका मन शांत चित रहता है, कोई किसी का वध नहीं करना चाहता, इसलिए जगह का नाम है अवध। तो ऐसे अवध धाम में लीला हुई। और जब द्वापर काल आया तो लोग बोलते कैसे होली प्रारंभ हुई, कौन सा दिन था जब पहली होली खेली गई। तो शास्त्रों में वर्णन आया है कि द्वापर काल में एक स्थान है जिसका नाम है बरसाना धाम। क्या नाम है? बरसाना। कौन सा धाम है? बरसाना धाम। यहाँ के लोग उदास गए, बरसाना धाम बरसाना धाम। क्या है? बरसाना धाम। होली कहाँ शुरू हुई थी? बरसाना। होली प्रारंभ स्थली बरसाना धाम। तो यहाँ पर एक बार भगवान कृष्ण ने अपनी मैया यशोदा से बोला, मैया इतना बता दे मेरा रंग काला क्यों। कृष्ण खुद ही पूछ रहे हैं, जरा इतना बता दे मैया मेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे मैया मेरा रंग काला क्यों। तो मैया ने कई सारे ऑप्शन बताए, तूने काली रात को जन्म लिया, तूने काली रात को जन्म लिया, हाँ इसलिए काला है इसलिए काला है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए कि तू इसलिए काला है। तो ठाकुर जी को पसंद नहीं आता था कि मुझे काला रंग क्यों है। तो आचार्य कहते हैं काले हुए तो व्रज गोपियां दीवानी हो गई, अगर गोरे हो जाते तो गले कट जाते गोपियां। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर लीला हुई और उस लीला में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण जब मैया से पूछा तो मैया ने कहा, लाला देख तू तो काला है क्योंकि काला रंग ही एक ऐसा रंग है जिसमें सारे रंग समा जाते हैं। अगर आप साइंस की बात करें तो केवल काला रंग ही एक ऐसा रंग है जिसमें सारे रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाकी रंग जिसमें से रिफ्लेक्ट होता है वही रंग दिखता है। अगर लाल रंग दिखता है यानी उसमें लाल रंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन काला रंग एक ऐसा रंग है जिसमें कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता, सब एब्जॉर्ब होता है। तो कृष्ण एक ऐसे हैं जिसमें सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर बड़ी सुंदर शास्त्र में वर्णन किया गया कि भगवान कृष्ण ने राधा रानी के रूप को देख करके कहा, इतनी सुंदर राधिके और मैं इतना काला कलूटा क्यों। तो मैया ने प्रेम में ऐसे कह दिया, तो अपने जैसा बना ले। हरि बोल। तो राधा है अपनो जैसा बना ले। तो कृष्ण बोले, मैया ऐसा कर सके हैं? बोले जा में पूछने की बात कौन सी। तो बोले क्या करना पड़ेगा मैया? तो बोले थोड़ा सा रंग ले ले और जाके लगा दे। तो भगवान कृष्ण ने कई सारा गऊ की जो धूली होती है उसमें थोड़ा पानी मिला के उस कीचड़ उस रंग को तैयार किया, कुछ पिचकारियां तैयार करी गई और राधा रानी से खेलने के लिए आए। और फिर राधा रानी को बोले, हम तुमसे मिलना चाहते हैं और मिलने के लिए यहाँ पास में एक स्थान है, उसका नाम है गठौली ग्राम। तो वहां पर राधा कृष्ण बैठे थे, ललिता विशाखा ने छुपके से पीछे से उनके दोनों की गांठ बांध दी चादर की, और गांठ तब बांधी जाती है जब किसी का विवाह होता है तब गांठ और इसी गांठ बनती है, छोड़े नहीं छूटती है। पति बार बार कहता है कब छूटेगी गांठ। गठबंधन ऐसा होता है, उसके बाद हर वर्ष बनाते हैं वर्ष गांठ, इसी गांठ पड़ी है कभी निकलती नहीं है। बोलते हैं कि प्रेम के अंदर अगर गांठ पड़ जाए तो टूटे से नहीं टूटती है ना, प्रेम के बीच में गांठ नहीं आनी चाहिए, लेकिन शादी का संबंध ऐसा है जिसमें प्रारंभ ही गांठ से होता है, इसलिए कभी प्रेम पूर्ण नहीं होता। तो राधा कृष्ण की गांठ बांधी गठौली ग्राम में, तो राधा कृष्ण को देखकर सब हंसने लगे जैसे आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगे, राधा कृष्ण विवाह लीला की। अभी तो
भगवान कृष्ण का ये क्या कर दिया, और इतने में ही इशारा कर दिया अपने ग्वाल बालों को। कृष्ण कन्हैया ने तुरंत रंग लिया और राधा रानी के मुख पर लगा दिया। पहली होली लीला हुई और इसलिए उस कुंड का नाम है गुलाल कुंड। क्या नाम है? गुलाल कुंड। यहाँ से जब गोवर्धन की ओर जाते हैं डीक के पास, तो उस गुलाल कुंड गांठोली ग्राम में ये होली प्रारंभ हुई। उसके बाद राधा रानी बहुत गुस्से में आ गई और मान करके इस पर्वत पर बैठ गई जिसका नाम है मानगढ़। उसमें मान का मतलब है स्ट्रेस में आ जाती है, गुस्से में आ जाती है, लेकिन मन में एक इच्छा रहती है कृष्ण ना दूर चले जाएं। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखी है, उसमें भी इस लीला का वर्णन है। तो ये प्रमाणित लीला है, ये कोई मन की लीला नहीं है। इस पुस्तक का नाम है मधुकेलीवली। मधुकेलीवली, हाँ, श्री मधुकेलीवली रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा। उसमें लीला आती है कि भगवान कृष्ण ने होली खेलना जब प्रारंभ किया और राधा रानी मान करके मानगढ़ चली गई, तो कृष्ण ने राधा रानी के भाई, क्या नाम था उनका, श्रीदामा, श्रीदामा से कहा, श्रीदामा कुछ तो करो। श्रीदामा कहते मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने सुबल से कहा, जो उनके प्रिय सखा है, सुबल तुम तो कुछ करो, मेरी राधा रानी गुस्सा होकर चली गई, कुछ तो करो। सुबल कहते हैं मैं कुछ करता हूँ। तो सुबल गए और ललिता विशाखा को बोला कि तुम थोड़ी मदद करो, कि कृष्ण नाराज हो गए और राधा रानी नाराज हो गई, कुछ तो करो। बोले काम करते हैं। विशाखा ने कहा, ललिता जी जो मना करके चली गई, नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। तो विशाखा जी ने कृष्ण को कहा कि तुम एक योगी बन जाओ। क्या बन जाओ? योगी। इसलिए होली पर आप देखते हैं लोग भांग पीते हैं, बम बम कहते हैं, बोल बम भांग, कहां से आया ये सब कुछ प्रमाणित है। तो भगवान कृष्ण एक योगी बन गए और योगी बनकर उनका मेकअप चित्रा सखी ने किया, जिनका चित्राली ग्राम, इधर उतरेंगे ना साखरी कोर से लेफ्ट में तो चित्रा सखी का ग्राम है। तो चिक्सवली ग्राम से दूध आता था राधा रानी का, और वहां आज भी गौशालाएं हैं। तो चित्रा सखी ने कृष्ण को तैयार किया, नाम दिया श्यामा सखी। श्यामा सखी, बोलो श्यामा सखी की। बहुत सुंदर तैयार किया गया, पूरे शरीर पर कृष्ण के भस्म लगाई गई, और कृष्ण पहले काले थे, उस पर भस्म लगा करके काले कूट हो गए, काले कलूटे कहते ना, काले कूट हो गए। और सर पर लाल बिंदी लगाई बहुत बड़ी सी, सर पर जटा धारण कराई और ऑरेंज सैफ्रॉन कलर के कपड़े पहनाए सन्यासी वाली, और उनको शेर की खाल नीचे पहनाई गई, और हाथ में एक डमरू दिया गया, और बोले चित्रा सखी बोलते हुए घुसो, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, योगी का। तो भगवान कृष्ण योगी बनने को तैयार किए हुए, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मनः, छठे अध्याय में भगवान कहते हैं योगियों का सबसे बड़ा योगी तो, इसलिए योगी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान योगी बने। ललिता ने कहा कि आप ध्यान में बैठते हैं कभी योगी जी, क्योंकि उनको मालूम नहीं था। तो तुरंत चित्रा सखी ने कहा बैठ जाएंगे ध्यान में बैठेंगे, और तुरंत वहां पर यही जो साखरी खोर है इसके पर्वत पर चढ़कर बैठ गए, और नीचे खाल बिछा ली हिरण की और उस पर बैठ गए, और आंख बंद करके बोल बम 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 बोल बम। और इस प्रकार से जब अपने योगी का नाटक कर रहे थे भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर, तो चित्रा सखी बोलती है खाली बम बम करते हो या भविष्य भी बताते हो, क्योंकि योगी तो यही करता है। हाँ हाँ बता सकते हैं, तुम्हारी कोई एक सखी गुस्से में है। कहा महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, वाह वाह महाराज बता दिया। कहा बता सकते हो कि सखी का नाम क्या है? उसका नाम रा से प्रारंभ होता है और शायद धा पर खत्म होता है। पूरा तो बता दिया, राधा, ओ राधा रानी की, पूरा नाम बता दिया। तो बोले राधा रानी को लेके आए, एक बड़ा योगी आया है और बता सकता है तुम कैसे खुश होगी। राधा रानी कहते मुझे नहीं मिलना किसी योगी से। खैर चलो तो चलो तो चलो, ले आए। चित्रा सखी बोली बताइए इसका ये क्रोध रोष गुस्सा कैसे जाएगा। बोले जब इस सुंदरी के पास एक बादल स्वरूप रंग का एक स्वरूप वाला बालक पास आएगा, उसी पल इसके हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। तो बोले कौन सा स्वरूप? वो नीले बादल के स्वरूप वाला श्याम वर्णी बालक मिलेगा कैसे? बोले हमारी परिक्रमा करने से। तो सारी गोपियां कहती अच्छा अगर हमारी राधे प्रसन्न होती है तो हम सब परिक्रमा करेंगे।
सब परिक्रमा करने लगी और जोर जोर से बोलने लगी, राधे जय जय राधे, राधे जय जय माधव जय जय, राधे जय जय माधव, राधे जय जय माधव। गोकुल तरणी मंडल महिते, गोकुल राधे जय जय माधव दैते, परिक्रमा करते करते ललिता सखी का ध्यान गया, इस योगी में सब कुछ तो योगी वाला है, रुद्राक्ष की माला है, हाथ में डमरू है, सिर पर जटा है और सैफ्रन कलर के कपड़े हैं। एक चीज अद्भुत समझ नहीं आई, योगी कभी बांसुरी तो नहीं रखता। ये बांसुरी है, इसका मतलब ये कोई योगी ढोंगी है। तुरंत ललिता ने विशाखा को कहा, विशाखा बोली, भाग योगी पकड़ा गया। अब सारी गोपियों ने पकड़ लिया, उनकी बांसुरी निकाल ली, जटा उतार दी, सैफ्रन कलर कपड़े उतार दिए और सारे रंग लेकर के कृष्ण कन्हैया को इस व्रज रज में धूल में धूल धूसर कर डाला पूरा का पूरा। जब ऐसी लीला चल रही थी, कृष्ण कहते हैं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कह रहे एक शर्त पर छोड़ेंगे, राधा रानी की शरण आश्रित होना पड़ेगा, वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती बोलो राधा रानी की, बोलो होते हो। कृष्ण कहते हैं हाँ हाँ हम तो इनकी शरण में आने के लिए आए हैं। तुरंत राधा रानी के पैर पकड़ लिए कृष्ण ने, ऐसे कौन से पुण्य किए राधे जो कृष्ण तेरे दर आते हैं। कृष्ण उनके दर पर आते हैं, ऐसे कौन से पुण्य राधा रानी ने किए। वो प्रेम भक्ति, वो उत्कृष्ट प्रेम राधा रानी के मन में है। कृष्ण के चरणों में देख करके राधा रानी कहती नहीं 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 और जोर जोर से हंसने लगी। सारा मान भंग हो गया और तभी राधा कृष्ण हाथ पकड़कर विलासगढ़ के ऊपर चले गए और फिर उसके बाद विलास लीला हुई। यानी सांखरी कोर पर कौन सी लीला हुई? दान लीला हुई। उसके बाद गुस्से वाली लीला हुई तो मान लीला हुई और हाथ पकड़ के गए तो विलास लीला हुई। विलासगढ़ में दोनों हंस रहे थे और सामने जो मोर थे, मोरों को लगा कि बादल आ गया है, क्योंकि कृष्ण का रंग कैसा है, बादलों जैसा। तो मोरों को लगा बादल आ गए हैं, मोर नाचने लग गए और मोरों को नाचते नाचते राधा रानी कहती है, कृष्ण क्या तुम भी मोर बन के नाच सकते हो? कृष्ण कहते तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी बन सकते हैं। और जोर से मोर बनकर नाचने लगे कृष्ण। अब कृष्ण कहते आओ राधा रानी तुम भी आओ। राधा रानी मोरनी बन गई और मोर मोरने का नृत्य हुआ। मोर कुटीर पर हम जाएंगे परिक्रमा में, मोर कुटीर पर दोनों मोर बनकर नृत्य किए और भगवान कृष्ण मोरों से इतना प्रसन्न हुए कि उनके पंख को उठा करके अपने सिर पर धारण किया। इसीलिए भगवान अपने मस्तक पर मोर पंख धारण करते हैं, क्योंकि उनके विलास लीलाओं का स्मरण कराता है, उनको याद आता है कि राधा रानी का मान भंग किया था विलास लीला। हमेशा राधा रानी के विलास लीला स्मरण कराता है और मयूर पंख उनके सर पर धारण करते हैं। और फिर राधा रानी और कृष्ण ने विलासगढ़ में विलास लीलाएं करी और फिर राधा रानी अपने घर यानी वृषभानु महाराज के घर भानुगढ़ में चली गई और कृष्ण भगवान अपने गाँव नंदगांव को चले गए। इस प्रकार से ये होली की लीला चतुर्युगों में हुई है, सतयुग में प्रहलाद के साथ, त्रेता में राम के साथ, द्वापर में कृष्ण के साथ और कलयुग में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और गौर पूर्णिमा दिवस पर पूरे नवदीप वासियों ने रंग खेलकर भगवान कृष्ण के प्राकट्य दिवस को मनाया। गौर पूर्णिमा उत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, स्थान का नाम है दान बिहारी मंदिर। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर लीला आती है। भगवान श्री कृष्ण जो थे उन्होंने एक ऐसी लीला करी कि यहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आया और वो कहता है मुझे अपनी लाली के विवाह के लिए थोड़ा धन चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धन चाहिए तो हम तो धन नहीं दे सकते हैं, धन देने वाली तो राधा रानी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को दान में दे दिया, कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो वृंदावन में मस्ती करता हूँ, वृंदावन में भ्रमण करता हूँ, छोटा सा बालक हूँ, मैं तुम्हें अपने आप को स्वयं को दान में दे सकता हूँ। ठाकुर जी इतने कृपालु हैं, अपने आप को दान में दे दिया। दान में दे दिया तो अब सखियों को पता चला अगर अब कृष्ण को ले भी गए तो क्या होने वाला है, विवाह तो पहले ही एक
बालक से होना है, दूसरे कृष्ण और आ गए, कहाँ से विवाह होगा? तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। भगवान कृष्ण का अब एक तरीका है, राधा रानी को जाकर बोलो कि कृष्ण ने अपने आप को दान में दे दिया है। तो जब जाकर राधा रानी को बोला, तो राधा रानी जो है वो दौड़ी दौड़ी आई वृषभानुगढ़, राधा रानी का ये जो गढ़ है जहाँ वो रहती थी वहाँ से आई, और आकर के इसी स्थान पर उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति को आकर कहा कि हमारे कृष्ण हमें पुनः वापिस दे दो। तो बोले मैं कैसे दे दूं, क्योंकि ये तो स्वयं कृष्ण मुझे दान में दे चुके हैं और दान की वस्तु लेना है तो खरीदना पड़ेगा। तो राधा रानी का चिंता मत करो, विश्वानु महाराज के दरबार में बहुत धन है। जैसे नंद बाबा के पास नंदगांव में धन है, ऐसे ही उनके वृषभानु महाराज के पास, वृषभानु का मतलब है, नंद का मतलब होता था जिनके पास 9 लाख गाय होती थी उन्हें टाइटल मिलता था नंद, वृषभानु उनको मिलता था जिनका वृषभ होते थे, बैल होते थे। तो वृषभानु महाराज के पास तकरीबन 50,000 बैल थे, तो बैलों के कारण उनको बैलों का राजा वृषभानु महाराज थे, जैसे गायों के राजा नंद महाराज थे। नंद के पुत्र कृष्ण और वृषभानु महाराज की पुत्री राधा रानी, राधा रानी ने 12 अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे ये कृष्ण कन्हैया लेने हैं, ये बाबा लेकर चला जाएगा हमारे कृष्ण कन्हैया को व्रज से अपनी लड़की की शादी के लिए। बाबा ने कहा बेटी जितना लेना है दे दो, कृष्ण को ले लो। तराजू पर बिठाया गया, अब कृष्ण तो भारी है। जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है उनमें कितना भारीपन होगा, जो सारे अखिल ब्रह्मांड को धारण करने वाले प्रभु, उनको एक तराजू पर बिठाया गया लेकिन तराजू उठा नहीं। और वो बाबा कहता है मैं दूंगा नहीं जब तक पूरा उठेगा नहीं। अच्छा। दान पे दान वृषभानु महाराज का पूरा श्रृंगार भंडार से खूब स्वर्ण रत्न चांदी दिए गए। और उसके बाद राधा रानी ने जब तुलसी पत्र को पधराया तब देखते हैं कि कृष्ण कन्हैया उठे, और इस प्रकार कृष्ण कन्हैया को वापस श्रीमती राधा रानी ने प्राप्त किया, और साथ में कृष्ण कन्हैया की कृपा से उस बाबा को अपनी लड़की के लिए धन धान की प्राप्ति हुई। ऐसा ये स्थान है, इसका नाम है दान बिहारी मंदिर। यहाँ पर ठाकुर जी ने अपने आप का दान प्रदान किया और बाद में स्वयं राधा रानी ने उनको पुनः प्राप्त किया। तो ये स्थान दानगढ़, कृष्ण का दान, यहाँ पर कृष्ण प्रेम का दान प्राप्त होता है। तो ये आप देख रहे हैं पीछे गहरा वन है, इस गहरे वन को आप देख सकते हैं कि नीचे से हम आए थे, आज पूरा उत्सव का माहौल है, ये पूरा बरसाना धाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वो सामने मोर कुटीर है जहाँ पर मयूर नृत्य किया भगवान ने, और हम जहाँ से चढ़ना शुरू किए थे वो नीचे वो स्थान से आए थे। अगर हमें यहाँ बंद हो गया है तो फिर इसी रास्ते से नीचे से कच्चे रास्ते से जाना पड़ेगा, और अगर हम सीधे रास्ते से गए तो सीढ़ियों से उतर कर हम नीचे जाएंगे। तो ये पूरा बरसाना धाम है, यहाँ पर इतने सरल हृदय के लोग रहते हैं। नित्य प्रतिदिन ये जो परिक्रमा आपके लिए मुश्किल हो रही है उनका डेली मंगनी मंगल आरती प्रोग्राम है, 4:30 बजे दर्शन, 5 बजे दर्शन के लिए डेली माताएं सारी पूरा परिक्रमा करके जाती है, फिर घर के काम भी करती है डेली। वातावरण को अपने अंदर लीजिए फिर पता चलेगा बरसाना धाम की कितनी कृपा बरसती है। आपकी कोई भी निरोगी काया हो सकती है, आपके कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में हट सकती है, राधा रानी से बड़ी कोई सरकार नहीं है। और इतनी कृपालु है कृष्ण कन्हैया कि यहाँ पर राधा रानी ने देखा कि जब बाबा नंद के घर में दान दिया जाता है तो जिन साधुओं के पास बर्तन होता है उनको दान मिलता है, तो राधा रानी ने कहा जिनके पास बर्तन नहीं होता उनको दान नहीं मिलता बाबा। तो वृषभानु महाराज ने कहा बरसाना में जो भी साधु आएंगे, जो भी भक्त आएंगे, उनके पास अगर पात्र नहीं होगा तो पहले मैं पात्र दूंगी और फिर मैं उसमें दान दूंगी। तो अगर हमारे चरित्र रूपी पात्र कैरेक्टर हमारा खराब हो और यहाँ आ जाए बस जैसे जैसे चढ़ गए, तो राधा रानी की ऐसी विशेष कृपा होती है कि राधा रानी पहले क्या देती है, पात्र देती है, फिर पात्रता देती है, फिर हरि भक्ति देती है, हरि भक्ति प्रेम प्रदान करती है। हरी 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 बोल। और वही भाव से चैतन्य महाप्रभु लेकर आए हैं, पात्र अपात्र विचार नहीं, ना ही स्थान स्थाने, जहां देखे तहां करे कृष्ण प्रेम दाने। जहां भक्त मिल जाते हैं दोनों हाथ ऊपर करके बोलते हैं श्रीमती राधा रानी की जय, श्री बरसाने वाली की जय। इतना बोलने मात्र राधा रानी की कृपा बरसने लगती है, इसलिए स्थान का नाम है बरसाना धाम की जय। अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से कुशल बिहारी मंदिर से, और फिर हम चलेंगे मेन मंदिर जो है श्री मंदिर जिसे कहते हैं लाडली मंदिर। उसमें 200 सीढ़ियां हैं, 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और फिर उतरना पड़ता है। राधा रानी के मंदिर में जो मूर्ति हैं, जो श्री विग्रह हैं, उन्हें लाडली लाल जी कहते हैं। इनका स्थापना नारायण भट्ट गोस्वामी ने किया, और जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था तो सारे मंदिरों की विग्रहों को वृंदावन से ले जाया गया था राजस्थान। वृंदावन के राधा गोविंद जी सिटी पैलेस जयपुर में है, मदन मोहन जी करौली ग्राम राजस्थान में है। तो ऐसे विग्रहों को ट्रांसफर किया गया, तो लाडली लाल भी चले गए थे शिवपुर नामक एक जगह राजस्थान में। हाँ, और फिर वो राजा जो था उसने रख लिए, लेकिन जब औरंगजेब समाप्त हो गया
तो शिवपुर के लोग थे वो उनको प्रेम हो गया राधा रानी से, और जो यहाँ के लोग थे वो कहते हमारी कन्या वापिस कैसे आएगी, वीरा उत्पन्न हुआ, तो कहते हमारी कन्या हमें वापिस लानी है। तो एक बाबा जी थे यहाँ नवल बिहारी गोस्वामी, तो उनसे कहा कि महाराज जी आप जाइए जाकर के ले आइए कन्या को। तो नवल बिहारी गोस्वामी कहते मैं जाऊंगा लेके आऊंगा राधा रानी। वहां पहुंचे तो शिवपुर के महाराज ने बड़ा स्वागत किया, राजस्थान के लोग वैसे ही बड़ा कि स्वागत करते, बैठिए महाराज क्या चाहिए, कर हमें अपनी लाडली लाल और कृष्ण चाहिए। उतने दिन तक यहाँ पर विशाखा और ललिता का विग्रह विराजमान रहा, ललिता विशाखा का विग्रह यहाँ विराजमान रहा, और वो तो चले गए थे राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को लेने गए तो लौटाते नहीं थे विग्रह। शिवपुर के महाराज ने कहा प्राण जाए पर राधा रानी न जाए, सारे सिपाही लगा दिए। नवल बिहारी गोस्वामी हार के सो गए थे, रात को स्वप्न में राधा रानी आई, कहती है राजा तुमसे बड़ा हो गया। राजा ने कहा प्राण जाए पर राधा रानी न जाए, और तुम क्यों कहते हो हमारी प्राण प्यारी है, तुम्हें अपने प्राणों की इतनी बड़ी हो गई कि राधा रानी को छोड़कर सो रहे हो। तो उन्होंने कहा तुम भी बोलो कि प्राण जाए पर राधा रानी ना दे। तो उन्होंने रात्रि काल में ही आक्रमण कर दिया और मंदिर में खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और राधा रानी को लेकर भागे वहां से। तो राजा को जब पता चला रात्रि में, राजा ने आक्रमणकारी सैनिक भेजे, बोले पकड़ लो इस नवल बिहारी को, जाने मत दो, चोर है, देखो हमारी ठाकुरानी ले जा रहा है, उठा के राधा रानी ले जा रहा है। तो फिर एक बहुत बड़ा सा राजस्थान में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके नीचे एक नदी बहती है। अच्छा। तो उस नदी पर जैसे इतना खाई होगी इतनी ऊंची, नीचे नदी बहती थी और नवल बिहारी फंस गए पीछे सारे सैनिक घोड़े पे, और वो राधा रानी ये वाली उनके हाथ में कैसे जाए, तो वो फंसे हुए थे। तो उस समय उन्होंने कहा कैसे बचूं, तो फिर राधा रानी पुनः उनके सामने प्रकट हुई, कहती है हाथ में तेरे हूँ फिर भी तुझे घबराहट होती है, और दुनिया कहती है कि राधा रानी जिसके साथ है उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुझे अपनी मृत्यु प्यारी हो गई मुझसे ज्यादा, अगर मुझे स्थापित करना है तो कूद जा। कहा मैया मर गया तो, कहा मेरे होते भी मर जाएगा। तो नवल बिहारी कूद गए पानी के अंदर ठाकुरायन को लेके, और तैरते तैरते उस पार सारे लोग हैरान हुए, सैनिक बोले वो तो मर गया होगा बाबा पानी में गिरा है, लेकिन वो दौड़ कर लाए और पुनः इसी स्थान पर राधा रानी को स्थापित किया। तब से ये लाडली लाल जी सन 1607 के बाद फिर यहाँ पर बहुत सारे राजा, एक राजा थे मध्य प्रदेश के वीर सिंह, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण पुनः निर्माण किया, फिर से ये राजस्थानी टेम्पल बनाया गया, मध्य प्रदेश के लोगों का धन लगा तभी बनने लगा। और ये जो ये भी राजस्थान का मंदिर है कुशल बिहारी मंदिर, ये उसके बाद का बनाया हुआ मंदिर है। तो ये दोनों समान है, श्री जी मंदिर है, पर वो मुख्य मंदिर है इसके बाद वाला, और ये दोनों ही भानुगढ़ के अंदर आते हैं, दोनों भानुगढ़ में आते हैं। तो बढ़िया, बहुत ही अद्भुत लीला स्थलियाँ, अद्भुत कथाएँ हैं, कैसे लोगों ने अपनी जान पर खेल कर राधा रानी को बचाया है, लेकिन ये कहें कि राधा रानी ने उनको प्रेरणा दी। तो हमारी लाइफ में अगर श्रीमती राधा रानी हमारे साथ हो तो हमको और किसी चीज में भय करने की जरूरत नहीं, शरीर की। तो हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी से प्रारंभ होता है हरे से, हरे कृष्णा, और अंत भी किससे होता है हरे से, और बीच में भी क्या आता है हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। विलासगढ़ लीलाओं की, दानगढ़ लीलाओं की, चलेंगे अभी हम लोग दर्शन प्रशांत प्रभु जी की।